हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। मेकिंग चार्ज मात्र 11% फ्लैट, दगरुसेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। कम खर्च में बेहतर इलाज, अब दरभंगा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। एसएन सर्राफ हॉस्पिटल, नाका नंबर 6, डीएमसीएच रोड, लहेरिया सराय। निसंतानता का सफल इलाज, आयुष्मान कार्ड एवं सभी हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज। जेवर मतलब रूप अलंकार ज्वेलर्स, सोना चांदी और हीरे के गहने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। वर्षों से आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान। धनतेरस, दीपावली और छठ तक सभी जेवरों की मेकिंग चार्ज पर 50% की छूट। सारी हाउस दरभंगा, अपनी शादी को और भी यादगार बनाइए हमारे न्यू वेडिंग कलेक्शन के साथ। ब्राइडल लहंगा, दुल्हन साड़ी, गाउन, कुर्ती, मेंस और किड्स वेयर के आकर्षक कलेक्शन आपके बजट में। आज ही शॉपिंग करें लहरिया सराय दरभंगा। क्या आप 10th और ग्रेजुएशन पास हैं और मनचाहे कोर्स में नहीं हो पाया है आपका एडमिशन, तो आपके लिए है सुनहरा अवसर। बिहार की सबसे बड़ी एडमिशन कंसल्टेंसी माई एडमिशन लीड लेकर आई है आपके लिए पंजाब के नैक ग्रेड ए कॉलेज सिटी ग्रुप में पढ़ने का बेहतरीन मौका, 100% प्लेसमेंट की गारंटी के साथ। आँखों की छोटी से बड़ी हर समस्या का इलाज अब एक जगह, चेन्नई और दिल्ली के बाद डॉक्टर विकास झा अब दरभंगा में। त्रिनेत्र आई हॉस्पिटल, शास्त्री चौक से 100 मीटर दक्षिण, दिघी रोड, दरभंगा। रेटिना, कैटरेक्ट एवं नवजात शिशुओं के आरओपी का सफल इलाज। चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव में दरभंगा पहुंचे बिहार के राज्यपाल महामहिम राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। 3 दिनों तक होगा साहित्यिक मंथन। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर 3 दिवसीय चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव 2024 में शिरकत करने पहुंचे। दीप प्रज्वलित कर अन्य अतिथियों के साथ महामहिम राज्यपाल ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उनके साथ सभी अतिथियों का मिथिला की परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया। 3 दिवसीय महोत्सव में राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकारों, विचारकों और चिंतक की भागीदारी है। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि इसमें और भी भाषाओं को ऐसे आयोजनों में जोड़ना होगा। इस अवसर पर मंच पर राज्यपाल के अलावा अतिथि के रूप में दरभंगा राज परिवार के सदस्य कपिलेश्वर सिंह, आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख नरेंद्र कुमार ठाकुर, मोहन सिंह, राजकिशोर, राजन प्रसाद गुप्ता तथा साहित्य अकादमी दिल्ली के उपाध्यक्ष कुमोद शर्मा उपस्थित थीं। वहीं राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने अपने संबोधन में कहा कि देश भर में बहुत सारे ऐसे सम्मेलन और उत्सव होते हैं जिनमें साहित्यकारों, विचारकों और चिंतकों की आगवानी होती है। वे अपने विचार रखते हैं ताकि समाज सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ सके, लेकिन देश में ऐसे आयोजनों की और जरूरत है और इनमें और भी भाषाओं को जोड़ने की आवश्यकता है। बिहार के राज्यपाल पहुंचे दरभंगा, एक कार्यक्रम में कर रहे हैं शिरकत। तो इस वक्त दरभंगा से आपको यह बड़ी खबर दे दे, बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव 2024 कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह के मौके पर पहुंचे हैं मुख्य अतिथि और उद्घाटनकर्ता के रूप में। वहीं इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में अतिथिगण मौजूद। तस्वीर कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा से। जैसे ही राज्यपाल दरभंगा पहुंचे, उन्हें भव्य स्वागत किया गया मोमेंटो इत्यादि देकर। मालूम रहे कि दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में 3 दिनों तक चलेगा चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव कार्यक्रम। जिससे समय की बचत हो सके, अभी सम्मान सिंह जी का स्वागत पाग, अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह से। आर्लेकर जी का स्वागत कर रहे हैं युवराज कपिलेश्वर सिंह जी, मिथिला की विद्वता की पहचान। श्वेत पाग से सम्मान हो रहा है माननीय राज्यपाल महोदय का, पाग, अंग वस्त्र तथा प्रतीक चिन्ह। चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव का कार्य आयोजन गत वर्ष से हो रहा है और मेरा सौभाग्य रहा कि गत वर्ष के
प्रारंभिक कार्यक्रम में मैं उपस्थित था जो पटना में हुआ था। आज भी यह कार्यक्रम यहां हो रहा है ऐसी ऐतिहासिक धरती पर मुझे युवराज कपिलेश्वर के साथ बैठने का सौभाग्य मिला, उनके राजवाड़े पर, उनके घर पर, निवास पर। तो उस समय भी बहुत सारी बातें ध्यान में आ गई कि यह धरती कितनी श्रेष्ठ है, कितनी समृद्ध है, और इसी को ध्यान में रखकर युवराज के अपने उनके पूर्वजों ने इस धरती की संस्कृति को, यहाँ की परंपराओं को, यहाँ के इतिहास को संजो कर रखने के लिए कितने बड़े प्रयास किए हैं। हम जिस परिसर में यहाँ यह कार्यक्रम कर रहे हैं, यहाँ दो विश्वविद्यालय स्थित हैं और दोनों विश्वविद्यालय अपने अपने ढंग से यहाँ की शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसे इस पावन धरती पर, माहौल में, वातावरण में हम यह साहित्य सम्मेलन कर रहे हैं। इसको महोत्सव का कहा गया है। स्वाभाविक है, महोत्सव का अर्थ यह होता है थोड़ा उत्सवी वातावरण होता है, उत्सव भी होता है, उत्साह भी होता है। और उत्साह और उत्सव जब मिलता है तो हमारे देश के लोग इतने उछल जाते हैं कि मानो यह मेला हो गया है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने इसको मेला का भी संबोधन दिया था, लेकिन मैं इसको सम्मेलन करना कहना चाहूंगा। मैं गोवा की धरती से आता हूं और उसके बगल में वहां महाराष्ट्र भी है। वहां अपनी भाषा के मराठी साहित्य सम्मेलन गोवा में भी होते हैं और महाराष्ट्र में भी होते हैं। उन सम्मेलनों में जाना, उनके वहां उपस्थित होना भी मेरा बहुत वर्षों से कार्यक्रम रहा है। एक विशेष व्यक्ति के तौर पर नहीं, साहित्य में रुचि रखने वाला एक साधारण व्यक्ति के रूप में इन सम्मेलनों में जाना चाहता हूं मैं। का इस पावन मिथिला की धरती पर अभिनंदन और स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। बिहार की धरती सनातन काल से शौर्य प्रज्ञा की दो धाराओं का संगम रहा है। एक तरफ जहां नीतिकार चाणक्य के सानिध्य में सम्राट चंद्रगुप्त के शौर्य पताका तत्कालीन भारतवर्ष, जो कि पूर्व से वर्मा से लेकर पश्चिम अफगानिस्तान तक फहराते हुए देखे हैं, वही दूसरी तरफ मिथिला क्षेत्र में प्रज्ञा से ओत प्रोत कई चिंतन धाराएं भी प्रवाहमान रही है। इस शुक्ल यजुर्वेद के बाद सिनी शाखा के प्रणेता याज्ञवल्क्य का नाम उल्लेखनीय है, जो भारतीय दर्शन के नव्य न्याय संप्रदाय, जो मिथिला के महान दार्शनिक गणेश उपाध्याय द्वारा 13वीं शताब्दी के प्रतिपादित किया गया है, वह भी सर जी हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। वास्तव में इस दार्शनिक धारा के आवास में वाचस्पति मिश्र, उदयन आदि दार्शनिक चिंतन से भी मिलता है। मंचस्थ महाभुनाव एवं अस्थि विद्युत सज्जन वेद यह कहते हैं कि मैं आनंदित हूँ कि आप सब अभिनंदन में जिस परिसर वो मेरे अपने शाश्वत ज्ञान परंपरा जी। स्वस्ति वाचन करें। दीप प्रज्वलन के समय हम सब तरह सबे
देवा आदि के पंच जना आदि प्रजाता आदि प्रजानि गवामा यो शांति नंदारी जगो शांति हे पृथ्वी शांति आपा शांति रोगदाया शांति हे बाल सभाताया शांति रविशंकर शांति हे सामा शांति हे राष्ट्रगान प्रस्तुत करें और सभी से आग्रह है जितने